चीन को हराने के लिए राफेल तो रख लिया, पर चीन की वायरस कोरोना वायरस को हराने के लिए जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रखना था वो नहीं रख पाए। नतीजा 21वीं सदी के भारत में एक विश्व शक्ति के रूप में उभरते भारत में ऑक्सीजन की कमी से मरते लोग। मार्च 20 को लगाया गया लॉकडाउन ना तो कोरोना वायरस को हरा पाया, ना उस समय में हम अपनी मेडिकल सुविधाएं ठीक कर पाए। केंद्र और राज्यों में शासन चला रही राजनीतिक पार्टियां इसी हिसाब किताब में लगी रही कि शादियों में लोगों की संख्या कैसे कम करी जाए, चुनावी रैलियों में लोगों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। कोरोना से लड़ने और बचने का सारा काम तो जनता के जिम्मे ही छोड़ दिया गया, यानी सब कुछ पहले की ही तरह ही हुआ। ना तब नोटबंदी से काला धन खत्म हुआ था, ना अब तालाबंदी से कोरोना खत्म हुआ। खत्म हुआ है तो लोगों का अपने नेताओं अपनी सरकारों से विश्वास। इसलिए जिंदा रहना है तो मास्क पहने रखें क्योंकि नेता नहीं पहनेंगे, 2 गज की दूरी बनाए रखें क्योंकि नेता नहीं बनाएंगे, काढ़ा पीते रहें, IPL देखते रहें क्योंकि कोरोना को हराने की जिम्मेदारी आपकी ही है, सरकार की नहीं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें।